2024 नए साल में शनिदेव इन राशियों की गोचर कुंडली में तांबे के पाए पर चलना करेंगे शुरू। इनको मिलेगा अपार पैसा और पद प्रतिष्ठा। नया साल शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में हर इंसान के मन में सवाल है कि आने वाला साल उनके लिए कैसा रहेगा। वहीं अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो इस साल कर्म फलदाता शनिदेव पूरी साल कुंभ राशि में संचरण करेंगे। साथ ही ऐसे में वह तांबे के पाए पर चलना शुरू करेंगे, जिससे नए साल 2024 में कुछ राशियों की किस्मत चमक सकती है। साथ ही इन राशियों को आकस्मिक धन लाभ और भाग्योदय होने के योग बन रहे हैं। तो आइए जानते हैं हम कि कौन कौन सी वह राशि हैं जिन पर शनि देव की कृपा बरसेगी। देखिए, अभी वर्तमान में शनि जो है कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। अभी 2024 में भी कुंभ राशि में ही उनका संचरण रहेगा। तो शनि जब किसी राशि में गोचर करते हैं और उसी अनुसार जब चंद्रमा की स्थिति देख करके यह निर्धारित किया जा सकता है कि शनि का कौन सा चरण है या शनि किस पाए में है। जैसे वर्तमान में जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति के अनुसार मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के लिए यह लोहे का पायड़ा या लोहे का पाया या चरण हम कह सकते हैं। तो इन तीन राशि वालों के लिए आर्थिक संकट, घरेलू परेशानी, व्यवसाय में बाधा, नौकरी में कष्ट, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें उनको रह सकती हैं। दूसरा है तांबे का पाया। तो वृषभ राशि, कन्या और कुंभ राशि के लिए तांबे का पाया है जो उनके लिए शुभ है। करियर, व्यापार में लाभ रहेगा। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के योग सफलता बनाएगा और सुख सुविधाएं उनको दान करेगा। मिथुन, वृश्चिक और मकर राशि के लिए स्वर्ण का पाया है जो चिंता कारक रहेगा। पारिवारिक विवाद रहेगा, संघर्ष और मानसिक परेशानी इन तीन राशि वालों के लिए रहेगी। इसी प्रकार जो चौथा पाया है वह रजत का पाया है। तो कर्क, तुला और मीन, इन तीन राशि वालों के लिए यह रजत का या चांदी का पाया रहेगा जो सुख कारक रहता है। धन लाभ दिलाएगा, प्रतिष्ठा दिलाएगा। भूमि, भवन और वाहन इत्यादि के इन तीन राशि वालों को वह लाभ देगा।